डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। ये इस प्लेलिस्ट में जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले हम लोगों ने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड राइट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, बट जैसा हम लोग देखेंगे कि जो ये कॉन्सेप्ट है जस्टिस, सबसे बाद में हम लोग देख रहे हैं, ये कोर है जिससे सभी ये तीनों जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो या वैल्यूज हैं वो फ्लो करते हैं। तो टुडे वी विल सी व्हाट इज जस्टिस, इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड थ्योरीज। मैंने इसको दो पार्ट में जस्टिस को डिस्कस किया है। ये फर्स्ट पार्ट में वी आर डिस्कसिंग एज आई टोल्ड मीनिंग टाइप्स एंड थ्योरीज, ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सेकेंड पार्ट में जो सब्सटेंशियल होगा उसमें रॉल्स एंड नोजिक के थ्योरी और उसके जो क्रिटिक हैं उसको देखेंगे, जिससे आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सो लेट्स बिगिन। What is in store? As usual, जो analysis है पहले पूछे गए question मैंने DU से लिए हैं, लेकिन ऐसे question हर university exam में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे justice के क्या मायने हैं और इसके क्या types कह सकते हैं हम या categorize कर सकते हैं justice को, and particularly हम लोग जो है procedural versus distributive justice के जो फर्क है ये दो types को देखेंगे, एंड देन थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग ग्लोबल जस्टिस पे करेंगे। अगेन इसके लिए अलग से नोट मैं हो सकता है आपको बना दे, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड देन थ्योरीज ऑफ जस्टिस का हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे, इसकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। यदि हम लोग पास्ट ईयर्स पेपर्स देखें तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल, क्योंकि ये इतना रिपीटेटिव है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 में, राइट एन एसे ऑन द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं वो पूछा गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो 2017 में रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्कस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इन द लाइट ऑफ फेमिनिस्ट एंड कम्युनिटेरियन क्रिटिक। यहाँ जो एक और क्रिटिक जोड़ दिया गया है, जो कम्युनिटेरियन जो ग्रुप की बात करते हैं, जो सोसाइटल कॉमन गुड की बात करते हैं, हाउ दे आर क्रिटिक टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इवेल्युएट द डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट, ये एक अलग ही डिबेट है जिसको कि मे बी हम एक अलग वीडियो में एक छोटे से नोट के तौर पे लेंगे। गिव ए क्रिटिकल अकाउंट ऑफ रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस, स्टॉक क्वेश्चन है, रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राइट ए क्रिटिकल एसे ऑन रॉबर्ट नॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस, वॉट इज मेजर क्रिटिक, रिपीटेड क्वेश्चन। ब्रीफ एसे ऑन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस, वॉट इज द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल थ्योरी, रिपीटेड क्वेश्चन है। और नोट यदि आप देखें तो ग्लोबल जस्टिस, जॉन्स रॉल्स आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस, उसको भी हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे वीडियो में देखेंगे। डिबेट्स ऑन कैपिटल पनिशमेंट, अगेन नॉजिक्स इंटाइटलमेंट थ्योरी एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस। तो यदि आप ये देखें तो ये जो वीडियो है इसमें आपको बहुत क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से आप जो है समझ पाएंगे नेक्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से, और आंसर लिखने में आपको हेल्प। सो लेट अस बिगिन बाय आस्किंग ए क्वेश्चन, व्हाट इज जस्टिस। इस पे जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल हर जगह फैले हुए हैं, बुक से लेके और वेबसाइट वेब पोर्टल पे एंड यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी एंड आपके मन में भी इंट्यूटिवली जो है आता है कि जस्टिस क्या है। हम लोग सभी एक सेंस ऑफ जस्टिस हम लोगों को नेचर से गिवन है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना जो है ठीक नहीं, जिसको हम कहते हैं आत्मा की आवाज, वो जो है जस्टिस ही होता है। क्या वर्चुअस है करना, क्या मोरल एक्ट है, जब आपको डिसाइड करना पड़े दो चीजों के बीच में कि ऐसा करना है कि ऐसा करना है, तो आपके अंतरात्मा जो कहती है वो जस्टिस से ही फ्लो करता है। इसका एक दूसरा कंसेप्शन भी ये है सोसाइटी में कि गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, जिसको जो इंटाइटलमेंट है उसको मिलना चाहिए, ये भी जस्टिस है। इसके अलावा जस्टिस जो है, जैसा मैंने कहा कि इट्स ए काइंड ऑफ इट इम्प्लाइज कि क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा, अच्छे बुरे का जो भेद है उसका जो आधार है वो जस्टिस होता है। और कई बार जो है बट ऑल्सो विच समवन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज इज मोरल राइट, मतलब कि यदि कोई हमसे कहता है कि भाई ये हमारा मोरल राइट है, तो वो जस्टिस के आधार पे ही कह रहा है। जैसे कि यदि कोई भूखा है और वो आपसे जो है कुछ मांग रहा है, तो मतलब ये उसका जस्ट है, ये एक जस्टिस है जो कि वो आपके आगे हाथ फैलाने का उसको अधिकार है, आपसे मांगने का अधिकार है। ये संस्कृत में जैसा अमृत सेन के मैंने भाषण से लिया है, जो कहते हैं कि संस्कृत में करीब 20 वर्ड हैं जस्टिस को डिनोट करने के लिए, उसमें से तीन वर्ड मैंने लिया है, दो अमृत सेन का, एक जनरल जो हम लोग कहते हैं नीति न्याय। नीति मतलब होती है जस्ट रूल्स
institutional fairness या बिहेवियरल करेक्टनेस, मोरल बिहेवियरल करेक्टनेस. न्याय जो है वो एक अलग मायने है. न्याय का मतलब है कि जस्टिस सोसाइटी में एक्चुअली जो रियलाइज्ड होता है, जो दिखता है जस्टिस होता हुआ, वो न्याय है. धर्म जो है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि राजा का धर्म, पति का धर्म, पिता का धर्म. धर्म हमारी मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है किसी के लिए, समाज के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए. तो नीति, न्याय और धर्म जो है, ये जस्टिस को डिनोट करते हैं हमारे कल्चर में, जो हिंदू कल्चर है, जिस जो कि वेद और उपनिषद और गीता से फ्लो करता है. हर हर धर्म में जो है, इनफैक्ट जस्टिस के जो है बहुत सारे मीनिंग मायने हैं, और रिलीजन से बहुत मोटे तौर पर जस्टिस फ्लो करता है. इसलिए इसका सोर्स जो है रिलीजन तो है ही, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कस्टम्स भी जो है जस्टिस का एक बहुत बड़ा फ्लो है. वैसे बहुत हिस्टोरिकल इनजस्टिस भी होता रहा है, तो इसको हम बहुत बैंक नहीं कर सकते हैं. नेचुरल लॉ जो है जस्टिस का बहुत बड़ा सोर्स है. इनफैक्ट हम में जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो नेचर से ही आती है. और जब जजेज जो हैं कोर्ट में जब बिल्कुल नहीं समझ पाते कि ये कैसे न्याय करना है, तो वो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को इन्वोक करते हैं. और फाइनली जो मॉडर्न जमाने में, जब से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंटाइटलमेंट और रिनेसा आई है यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में, तो रीजन और रैशनलिटी, तर्क के आधार पे जो है और ज्ञान के आधार पे जो है वो न्याय की जो है विवेचना की जाती है. उसी से जो है रॉल्स और नॉजिक और सारे मॉडर्न थ्योरी जो है वो रीजनिंग रैशनलिटी पे बेस है, ना कि किसी रिलीजन या ट्रेडिशन या नेचुरल लॉ पे. यदि हम ये देखें हिस्टोरिकली, तो सबसे पहले जस्टिस की बात जो है प्लूटो करते हैं. वो कहते हैं कि चार फंडामेंटल वर्चूज होते हैं ह्यूमन में, उसमें से एक जस्टिस है. तीन और जो है विजडम, टेम्परेंस, मतलब जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ होना, बराबर का भाव संभाव रखना, और करेज. उसके अलावा जस्टिस जो है वो है. एरिस्टोटल कहते हैं कि जस्टिस जो है वो इक्वलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब कितना किस पर होना चाहिए. आप प्रोपोर्शनलिटी का मतलब आप सबसे समझिए, आपको किसी ने एक मुक्का मारा तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे, प्रोपोर्शनल होना. तो ये जो है जस्टिस है, न्याय है. एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब स्थित प्रज्ञ होना, टेम्परेंस जिसको कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना, ये जस्टिस है एरिस्टोटल के अनुसार. रॉल जो है उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस, अपना जो फेमस थ्योरी जिसको हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस दिया. नॉजिक ने जो है कहा कि नहीं, जस्टिस जो है वो इंटाइटलमेंट है, जस्ट इंटाइटलमेंट, जो हमें मिला है या जो हमने एक्वायर किया है उसको बचाए रखना जस्टिस है, उसको रिकॉग्नाइज करना जस्टिस है. अमृत सेन जो नोबेल प्राइज विनर है इंडिया के, उन्होंने कहा कि लोगों को कैपेबल बनाना जिससे वो लाइफ डिग्निटी की जी सकें, विद फुलफिलमेंट जी सकें, वो जस्टिस है. तो उनकी कैपेबिलिटी थ्योरी ऑफ जस्टिस है. मैं जैसा मैंने आपको बोला कि जो ये नोशंस इक्वलिटी, लिबर्टी और राइट्स का है, वो सब जो है जस्टिस के कॉन्सेप्ट से जो है फ्लो करता है. तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस कितना ओवर आर्किंग वैल्यू है हमारे सोशल लाइफ के लिए या मोरल लाइफ के लिए, और ये कैसे जो है एक इंडिविजुअल, समाज और देश और विश्व की जो व्यवस्था है उसको एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे यूज होता है. अब यदि हम जस्टिस को बांटने की कोशिश करें, तो जो लिटरेचर में मिलती है चार टाइप की है, लेकिन मैंने पांचवा ग्लोबल जस्टिस भी यहाँ लिखा है क्योंकि आपके आपको ज्यादा पूछी जाती है. प्रोसीजरल जस्टिस फर्स्ट टाइप है. इसका मायने ये होता है कि जस्टिस बेस्ड ऑन जस्ट रूल्स, रेगुलेशन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस, जिसको हम नीति कह सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में है, कैसे ये जो है रिवार्ड्स एंड बर्डन जो है सोसाइटी में बांटे जाते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, कैसे इनइक्वालिटी कम हो सकती है. इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आप सोशल जस्टिस भी कह सकते हैं, यदि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और मिनिमम नीड्स ऑफ पीपल आर इंश्योर्ड बाय सोसाइटी, कम्युनिटी और स्टेट. रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो है कि आंख के बदले आंख, मतलब ये है कि जस्टिस इज रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट टू पनिशमेंट टू क्राइम, जो क्राइम है उसके लिए प्रोपोर्शनेट, मतलब ये नहीं कि किसी ने यदि चोरी की एक ब्रेड की तो आप उसका हाथ काट दें,
प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट टू क्राइम जो है वो जस्टिस है, रिस्टोरेटिव जस्टिस जो है वो एक अलग है, वो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है बिल्कुल अलग है, इसमें है कि रिपेयरिंग एंड हीलिंग की जाती है जो विक्टिम है उसको भी, और जो ऑफेंडर है उनके बिहेवियर को चेंज करके उनको मेन स्ट्रीम में बैक लाया जाता है, ये रिस्टोरेटिव जस्टिस के प्रिंसिपल है। ग्लोबल जस्टिस जो है ये कहता है कि परस्यू जस्टिस एट इंटरनेशनल लेवल, जो नेशन स्टेट के बाउंड्री के बाहर भी क्या पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जस्टिस लाई जा सकती है कि नहीं, इस पे जो चर्चा होती है वो ग्लोबल जस्टिस है। हम थोड़ा डिटेल में प्रोसीजरल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस, जैसा मैंने आपको बताया कि फॉलोइंग जस्ट रूल्स एंड प्रोसीजर शैल रिजल्ट इनटू फेयर आउटकम, मतलब इसमें माना जाता है कि यदि आपने रूल जो है प्रोसीजर और इंस्टीट्यूशनल सेटअप आपने यदि फेयर ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन आपने सेटअप कर दिए तो जस्टिस नेचुरली उसका आउटकम होगा, जो अरेंजमेंट होगा सोसाइटी का सोशियो पॉलिटिकल वो जस्ट होगा। तो ये आइडिया ऑफ फेयर प्ले का है, लेवल प्लेइंग फील्ड का है, और ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये नीति जो संस्कृत का वर्ड है उससे मिलता जुलता है, जहाँ की जस्ट रूल इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस एंड बिहेवियरल करेक्टनेस को शो करता है। प्रोसीजरल जस्टिस अपने चार पिलर्स पे बेस्ड है या चार प्रिंसिपल पे, बीइंग फेयर इन प्रोसेसेस, जैसे इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप कह सकते हैं या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बीइंग ट्रांसपेरेंट इन एक्शन, ये नहीं कि न्याय केवल होना ही चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वॉइस, जिसको आप जिसके लिए आप न्याय कर रहे हैं उसको भी से होना चाहिए अपने बचाव में कहने का या अपनी वॉइस रेज करने का, एंड बीइंग इम्पार्शियल इन डिसीजन मेकिंग, जब हमको डिसीजन मेकिंग का हो तो क्या किधर हमको झुकना है किधर जाना है उसमें इक्विलिब्रियम बैलेंस प्रोपोर्शनैलिटी रखनी है, वो जस्टिस है। क्लोजर टू इंडिविजुअलिस्टिक लिबरलिस्टिक आइडियोलॉजी, आप जानते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी में बिलीव करता है और इंडिविजुअल को राइट्स ज़्यादा देता है सोसाइटल कॉमन गुड से या स्टेट के पावर से, तो ये जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, या कहिए कि उस आइडियोलॉजी से फ्लो करता है, जहाँ पे कि ये कहा जाता है कि हम एक जस्ट रूल बना दें और इंस्टीट्यूशन खड़े कर दें, उसके बाद हम इंटरफेयर ना करें, स्टेट उससे आगे ना बढ़े, जस्टिस अपने आप जो है उससे फ्लो करेगी। नॉजिक और रॉल की थ्योरी जो है उसको बेसिकली हम लोग प्रोसीजरल जस्टिस थ्योरी कह सकते हैं, वैसे रॉल्स ने तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को एक नया आयाम दिया, लेकिन फिर भी चूंकि वो लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी से दोनों गाइडेड हैं तो ऐसा कह सकते हैं। इस तरह के प्रोसीजरल जस्टिस को कई लोग फॉर्मल जस्टिस भी कहते हैं, लीगल जस्टिस भी कहते हैं, क्योंकि ये रूल स्टैट्यूट में लिखी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, और इंस्टीट्यूशनल जस्टिस भी कहते हैं क्योंकि इसको पूरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। यदि हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया क्या है तो ये बहुत अलग है एक मायने में प्रोसीजरल जस्टिस से, लेकिन जुड़ा हुआ भी है। इट सेज, जैसा मैंने आपको कहा, जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल प्राइमरी गुड्स, यहाँ पर वर्ड को ध्यान दीजिए, सोशल प्राइमरी गुड्स। सोशल प्राइमरी गुड्स क्या है? राइट्स, लिबर्टी, इनकम, वेल्थ, डिग्निटी, स्टेटस, ये सारे सोशल प्राइमरी गुड है, उसका जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में होना जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। ये आइडिया ऑफ फेयर शेयर है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि संस्कृत के वर्ड न्याय से ज्यादा मिलता जुलता है, जिसमें कि रियलाइज जस्टिस जो सोसाइटी में होती है, एक्चुअल कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ प्रोसीजरल जस्टिस का, वो न्याय है। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? मेरिट हो सकता है, टैलेंट या मेरिट, या नीड हो सकता है, जिसको ज्यादा नीड है उसको उतना मिले, या आप इक्वलिटी हो सकती है, सबको बराबर दे दो, ये इक्विटी हो सकती है कि बराबर को बराबर तौलो, मतलब कि जो वर्स्ट ऑफ है उसको ज्यादा दो, जो जिसके पास पहले से ज्यादा है उसको कम दो, ये इक्विटी है। और मोरल वैल्यूज पे भी हो सकती है, तो जो कि बहुत वेग है, इस तरह इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अटेनमेंट ऑफ जस्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सम एग्रीड अपॉन क्राइटेरिया, तो ये भी कहता है कि सोसाइटी जो है मिल करके सोसाइटल कॉमन गुड जो है या गुड वे ऑफ लाइफ जो है उसको डिसाइड कर सकती है, और उसको अटेन करना जो है वो जस्ट सोशल ऑर्डर है। राइट वर्सेस कॉमन गुड में भी आप देखेंगे तो लिबरलिस्ट जो है वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रेशर देते हैं, कम्युनिटेरियन जो है वो सोसाइटल कॉमन गुड को प्रेशर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो कॉमन गुड की तरफ ज्यादा जो है वो झुका हुआ है, और प्रोसीजरल जस्टिस जो है वो राइट्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इसको जो है आप सबस्टैंटिव जस्टिस भी कह सकते हैं या जस्टिस ऑफ आउटकम भी कह सकते हैं। अब यदि हम देखेंगे नेक्स्ट में तो आपको और डिफरेंस पता लगेगा दोनों प्रोसीजरल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बीच में। ये स्लाइड जो है आपको थोड़ा
रिपीटेटिव भी लगेगा लेकिन आपको क्लियर करेगा। प्रोसीजरल जस्टिस जो है वो फेयर प्ले का आइडिया देता है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है फेयर शेयर का आइडिया देता है, जिसको जो इंटाइटलमेंट ड्यू है वो मिलना चाहिए सोसाइटी में। ये फॉर्मल जस्टिस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सबस्टेंशियल जस्टिस है। ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इक्वालिटी ऑफ आउटकम है। प्रोसीजरल जस्टिस यदि कंसिस्टेंट विद लिबरल आइडियोलॉजी ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्लोजर टू कम्युनिटेरियन एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। और जैसा मैंने आपको बार बार अभी तक कहा कि प्रोसीजरल जस्टिस जो है वो नीति वर्ड से मिलता है, जस्ट रूल इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस एंड बिहेवियरल करेक्टनेस, जहाँ की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है न्याय के ज्यादा करीब है जो रियलाइज जस्टिस है। यहाँ मैंने एक स्लाइड में आपको ग्लोबल जस्टिस का दिया है नोट, इस पे डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, यदि मुझे मौका लगा तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल जस्टिस का मीनिंग ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस के मायने क्या हैं। हम नेशनल बाउंड्री के अंदर तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं या प्रोसीजरल जस्टिस, जहाँ पे कि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है, वहाँ पे कैसे प्रोसीजरल जस्टिस की बात करें, कौन सा इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस है। इवन यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम नहीं करता है, तो वहाँ कैसे जस्टिस लाई जा सकती है और जस्टिस का मीनिंग क्या है। क्या यदि एक कंट्री में लोग भूखे मर रहे हैं तो क्या दूसरे कंट्री के लोगों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको खाना दे या नहीं है। कितनी दूर तक आप दूसरे कम्युनिटी या दूसरे नेशन को हेल्प कर सकते हैं, ये सब जो क्वेश्चन है ये इस पे आते हैं। फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, टेररिज्म, इमिग्रेशन एंड डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इट इज लेड टू द इंक्रीज फोकस ऑन जस्टिस बियॉन्ड स्टेट बॉर्डर्स। अभी कहा जाता है कि हम ग्लोबल सिटीजन हैं, पूरी गाँव एक जो पूरी दुनिया है एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई है, तो ऐसे में जो है हम कैसे जो है नेशन स्टेट के बाउंड्री के अंदर ही जस्टिस की बात कर सकते हैं। बट इट रेजेस मेनी मेनी इश्यूज, हाउ टू एस्टैब्लिश प्रोसीजरल जस्टिस इन एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड लॉ, जैसा मैंने आपको कहा, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशल गुड जस्टिफाइड बियॉन्ड स्टेट बॉर्डर, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है दूसरे कम्युनिटीज के लिए जो हमारे नेशन के बाहर हैं। क्या जो आर वेल्थ जनरेटेड इन ए नेशन आर ड्यू टू इट्स कल्चर वैल्यू एंड कैरेक्टर एंड हेंस इट इज ओनली इंटाइटल फॉर यूजिंग द नेशनल वेल्थ। क्या हम ये कह सकते हैं कि जापान ने जो अपना वेल्थ जनरेट किया है वो वहाँ के लोगों की इंजीनियरिटी है, वहाँ का पॉलिटिकल वैल्यू कल्चर के चलते है, इसलिए कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने वेल्थ को क्यों वो जो है सब सहारन कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या ऐसा हम कह सकते हैं। क्या वॉट शुड बी द यूनिट ऑफ जस्ट वर्ल्ड, क्या नेशन स्टेट यूनिट होंगे या सोसाइटी होंगे या कम्युनिटी होगा या जैसे रॉल्स बोलते हैं पीपल होंगे, क्या होंगे यूनिट। इज इट पॉसिबल टू हैव यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस, जैसे रॉल्स ने अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया एक नेशन स्टेट के लिए, क्या वैसा संभव है पूरे ग्लोबल लेवल पे कोई थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाना। ये सारे इश्यू जो है इस ग्लोबल जस्टिस के डिस्कशन में शामिल होते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिबरल थ्योरी जो आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो प्री सपोज करते हैं एक लिबरल सोसाइटी को और एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को जो कि स्टेट पावर से बैक्ड होता है, लेकिन ये ग्लोबल एरिना में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई जो है इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन या ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है जिसके पास कोएर्सिव पावर हो किसी भी लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करने का। इसके अलावा जो सोसाइटी है वो हर जगह लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, बहुत तरह के सोसाइटी हैं जिनके लिए जो राइट्स और जस्टिस का जो फिनोमेना या वैल्यूज है वो बहुत डिफरेंट हैं, वो कल्चर स्पेसिफिक हैं, ऐसे में ग्लोबल जस्टिस कैसे लाया जा सकता है। फिर भी जॉन रॉल ने काफी साल बाद जब उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, उसके 21 साल बाद उन्होंने लॉज ऑफ पीपल करके उन्होंने एक थ्योरी दिया ग्लोबल जस्टिस का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लिबरल पीपल हैं वो नॉन लिबरल पीपल के साथ जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सम बेयर मिनिमम 8 प्रिंसिपल उसने दिया, 3 इंस्टीट्यूशंस दिया जिसके बारे में कि डिटेल आपको हम कभी यदि मौका लगा तो बता पाएंगे। अमृता सेन ने उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये रॉल का थ्योरी शायद सही नहीं है क्योंकि ये न्याय पर आधारित होनी चाहिए ग्लोबल जस्टिस, रियलाइज जस्टिस बेस्ड ऑन पब्लिक रीजनिंग। तो उन्होंने एक अलग अपनी थ्योरी जो है ग्लोबल जस्टिस की दी, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्लोबल जस्टिस, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक इमर्जिंग डिस्कशन फोरम है जस्टिस के फील्ड में, जहाँ पे कि अब स्टेट के बाउंड्री से, नेशन स्टेट के बाउंड्री से बाहर निकल करके ग्लोबल सिटीजन को कैसे जस्टिस डिस्पेंस किया जाए, कैसे जस्टिस प्रोवाइड किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस के कैसे मायने होते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा
हो रही है। फाइनली जो है मैं आपको जस्ट थोड़ा सा केवल इंट्रोड्यूस कर दूं थ्योरीज ऑफ जस्टिस को, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बल्क ऑफ क्वेश्चन जो है डेफिनेटली इसी से पूछे जाएंगे। थ्योरी यदि आप देखें, मैंने कई बार आपको बताया है, इट इज नथिंग बट कॉन्सेप्चुअल मैप, हाइपोथेसिस, मॉडल्स, जो रियलिटी के जो मॉडलिंग होती है, एंड अप्रोचेस टू हेल्प अंडरस्टैंड जस्टिस एंड अटेनमेंट ऑफ इट। ये दो काम करता है, आपको जस्टिस क्या है इसको भी बताने में मदद करता है, और उस जस्टिस को कैसे हम सोसाइटी में या कम्युनिटी में अटेन कर सकते हैं या नेशन में अटेन कर सकते हैं, कैसे मतलब जस्टिस ला सकते हैं, उस पर भी ये जो है रिकमेंडेशन या एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ बताता है। यदि हम थ्योरीज को देखें तो दो पार्ट में आप बांट सकते हैं, लिबरल थ्योरीज ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जहां पे कि पीपल जो है अपने स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ के एकदम पहली बार मिलते हैं टू कंस्ट्रक्ट सोसाइटी। मतलब इसमें माना जाता है कि इंडिविजुअल कम टुगेदर टू फॉर्म सोसाइटी एंड देन नेशन एंड देन नेशन स्टेट। पहले इंडिविजुअल थे अपने नेचुरल स्टेट में, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है, जो कि एक वन टू वन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होकर के इट्स ए कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे हैव गिवन देमसेल्फ द सोसाइटी एंड नेशन स्टेट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो थ्योरी ऑफ जस्टिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, जिसकी एक लंबी ट्रेडिशन है, जो जॉन मतलब थॉमस हॉब्स से शुरू होती है, जॉन लॉक ने दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फिर रोसो ने दिया, तो उसी ट्रेडिशन में जो बेस्ड है रॉल्स की थ्योरी है, जिसको जस्टिस एज फेयरनेस थ्योरी कह सकते हैं, एंड नॉजिक्स की थ्योरी है जो कि जस्टिस एज इंटाइटलमेंट है, जिसको डिटेल में हम लोग दोनों को देखेंगे। इसके अलावा जो है नॉन सोशल कॉन्टैक्ट बेस्ड थ्योरीज भी बहुत सारे जस्टिस के प्रोपाउंड किए गए, जैसे यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जेरेमी बेंथम ने दिया, जिसमें कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर को जस्टिस कहा गया। कांतियन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि मोरल ड्यूटी पे बेस्ड है, जो कि सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी जिसको उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव दिया, उससे फ्लो करती है जो मॉरलिटी बेस्ड ड्यूटी जो कि जस्टिस है। कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच जो मैंने आपको पहले बताया वो अमृत सेन ने दिया। इसके अलावा फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसमें कि जो कैसे जो है फैमिली में जस्टिस लाया जाए, पैट्रियार्की को खत्म किया जाए, जेंडर जो इनजस्टिस है उसको खत्म किया जाए, उसको जस्टिस माना जाता है। एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि एक क्लासलेस सोसाइटी की परिकल्पना करता है, जो कि जस्ट होगा, जिसमें कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है। सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ जस्टिस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली रॉल्स थ्योरी और नॉजिक थ्योरी पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको केवल इसी दोनों से आते हैं। So thanks for watching and good luck. See you again. This summary, I need to tell you the summary. Achha hai ki ek baar hum log dekh le. To begin with, जस्टिस के कई कई मायने हैं। मैंने आपको कोशिश किया 3-4 मायने बताने के, लेकिन ये बहुत थोड़ा है, आप खुद इस पे और विवेचना कर सकते हैं। सो इट इज इसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट, जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई एक इसका जो है एग्रीड मीनिंग नहीं है, बट इट डिनोट मोरल ऑब्लिगेशन, सेंस ऑफ ड्यूटी, जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इन नटसेल वी कैन से इट ऑल्सो डिनोट फेयर प्ले एंड फेयर शेयर। 4 टाइप्स ऑफ हम लोगों ने देखा जस्टिस, प्रोसीजरल, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव मतलब बदला, रिस्टोरेटिव हीलिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ बोथ हार्म्ड एंड द ऑफेंडर। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है इट दे हेल्प मेक सेंस एंड अटेनमेंट ऑफ जस्टिस। 2 टाइप के थ्योरीज हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्योरी जो रॉल्स की जस्टिस एज फेयरनेस, एंड लॉजिक का जस्टिस एज इंटाइटलमेंट, एंड नॉन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्योरीज हैं कांतियन मोरल ड्यूटी, यूटिलिटेरियनिज्म, फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड अमृत सेन्स कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।